नागालैंड के मोन जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कथित तौर पर कम से कम 13 ग्रामीणों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यह हादसा मोन जिले के ओटिंग गांव में हुआ है, जहां ग्रामीण एक पिकअप वैन से अपने घर लौट रहे थे और इसी बीच सुरक्षा बलों के एक ऑपरेशन में इन ग्रामीणों पर फायरिंग की गई और इनकी मौत हो गई। इस हादसे के बारे में उस वक्त पता चला जब घटना में मारे गए लोग अपने घर वक्त से नहीं पहुंचे। वहीं इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उसके बाद आगजनी कर दी। घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में एक सेना के जवान की भी मौत हुई है। वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो ने लोगों से शांति बनाए रहने की अपील की है, साथ ही कहा है कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी द्वारा कराई जाएगी। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि मृतकों की सही तादाद का अभी भी पता नहीं चल सका है, क्योंकि 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरे ने पड़ोसी राज्य असम के अस्पतालों में दम तोड़ा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है, नागालैंड के मोन के ओटिंग में दुर्भाग्यपूर्ण घटना से मैं दुखी हूँ। मैं जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय एसआईटी टीम इस घटना की जाँच करेगी ताकि दुखी परिवारों को इंसाफ दिलाई जा सके।